हाय फ्रेंड्स, रॉयल एकेडमिक 21 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा अवार्ड्स एंड ऑनर्स 2021 के। और इस चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आप जानते होंगे पिछले जो चैनल था वो चैनल का बहुत सारे वीडियो था उसमें और काफ़ी सारा डिलीट हो गया है, तो उसके लिए और ही मेहनत करना पड़ रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर आप लोगों को ये रिक्वेस्ट है कि पहले जैसे जितना सपोर्ट आप लोगों से मिला था उतना ही सपोर्ट करोगे बोल के मेरे को उम्मीद है, भरोसा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच पॉलिटिकल राइटर विल बी बेस्ट वेट विद द साहित्य अकादमी अवार्ड 2020? किस साहित्यकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन यहां पर देखने के लिए मिल जाता है। ऑप्शन नंबर ए है राजेश तनवर, ऑप्शन नंबर बी है मिथिलेश, ऑप्शन नंबर सी है आनंद राज, ऑप्शन नंबर डी है एम वीरप्पा मोइली। व्हिच इज द करेक्ट आंसर हियर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एम वीरप्पा मोइली इज द करेक्ट आंसर हियर। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की अगर बात करेंगे तो एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है, द पोलिटिकल राइटर एम वीरप्पा मोइली पोएट अरुंधति सुब्रमण्यम विल बी बेस्ट पोएट विद द साहित्य अकादमी अवार्ड 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू, हाउ मेनी पर्सन विल बी कॉन्फ्यूट विद द साहित्य अकादमी अवार्ड्स? कितने लोगों को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन यहां पर देखने के लिए मिल जाता है। ऑप्शन नंबर ए है 25, ऑप्शन नंबर बी है 20, ऑप्शन नंबर सी है 45, ऑप्शन नंबर डी है 15। व्हिच इज द करेक्ट आंसर हियर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 20 इज द करेक्ट आंसर हियर। तो यहाँ पर जो 20 लोगों हैं, 20 लोगों को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की अगर बात करेंगे तो दिस एनुअल साहित्य अकादमी अवार्ड्स हैज़ बीन अनाउंस फॉर इंडिया 20 रीजनल लैंग्वेज। ये 20 रीजनल लैंग्वेज में दिया जाता है जिसमें इंक्लूडिंग है हिंदी, मैथिली, उर्दू और भी काफ़ी सारे लैंग्वेज उसमें इंक्लूडिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल वुमेन ऑफ कॉरेज 2021 अवार्ड बाय US कंसुलेट? अमेरिकी वाणिज्य दूतावास द्वारा इंटरनेशनल वुमेन ऑफ कॉरेज 2021 अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। ऑप्शन नंबर ए है सुनीता कृष्णन, ऑप्शन नंबर बी है गौसल्या शंकर, ऑप्शन नंबर सी है विद्या साहा, ऑप्शन नंबर डी है साजिया इल्मी। व्हिच इज द करेक्ट आंसर हियर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गौसल्या शंकर इज द करेक्ट आंसर हियर। तो यहाँ पर गौसल्या शंकर जो है अमेरिकी वाणिज्य दूतावास द्वारा इंटरनेशनल वुमेन ऑफ कॉरेज 2021 से सम्मानित किए गए हैं। एक्सप्लेनेशन की अगर बात करेंगे तो द US कंसुलेट ओनर तमिलनाडु बेस एंटीकास्ट एक्टिविस्ट गौसल्या शंकर विद द इंटरनेशनल वुमेन ऑफ कॉरेज अवार्ड। उनको इंटरनेशनल कॉरेज अवार्ड से सम्मानित किया गया है वो 2021 अवार्ड से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, हु हैज वन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द नेशनल फिल्म अवार्ड्स फॉर 2019? 2019 के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? किसको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है? तो ए ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है कंगना रनौत, बी ऑप्शन है विद्या बालन, सी ऑप्शन है रवीना टंडन, डी ऑप्शन है रानी मुखर्जी। व्हिच इज द करेक्ट आंसर हियर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कंगना रनौत इज द करेक्ट आंसर हियर। तो कंगना रनौत एक ऐसे एक्ट्रेस है जो कि 2019 से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार उनको दिया गया है। एक्सप्लेनेशन की अगर बात करेंगे तो कंगना रनौत वो एक ऐसे बेस्ट एक्ट्रेस है जो कि नेशनल फिल्म अवार्ड 2019 में पांगा फिल्म जो है हिंदी फिल्म और मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी हिंदी नाम से उसको जाना जाता है, तो ये पांगा और मणिकर्णिका ये दोनों फिल्में 2019 में कंगना रनौत को बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हिच फिल्म हैज वन द बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड एट द 67th नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर 2019? किस फिल्म ने 2019 के लिए 67वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है?
ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। ऑप्शन नंबर ए है मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी, बी है मरक्कर लायन ऑफ द आरबियन सी, सी है जल्लीकट्टू, डी है हेलेन। व्हिच इज द करेक्ट आंसर हियर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी मरक्कर लायन ऑफ द आरबियन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। तो मरक्कर लायन ऑफ द आरबियन सी एक ऐसी फिल्म है जो 2019 के लिए 67 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार उसको दिया गया है। तो एक्सप्लेनेशन की अगर बात करें तो मरक्कर लायन ऑफ द आरबियन सी एक मलयालम फिल्म है और हैच वन द बेस्ट एक्ट्रेस फिल्म फीचर अवार्ड 67 नंबर पर उसको दिया गया है। ओके, तो उससे पहले 66 लोग फिल्म फीचर अवार्ड्स दिया गया है और 2019 की अगर बात करेंगे तो मरक्कर लायन ऑफ द आरबीएन सी 67th नंबर फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। व्हिच फिल्म हैज वन द बेस्ट नॉन फीचर फिल्म अवार्ड्स एट द 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स? किस फिल्म में 67वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म पुरस्कार जीता है? ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। ऑप्शन नंबर ए है द सोयर, ऑप्शन नंबर बी है एन इंजीनियर ड्रीम, ऑप्शन नंबर सी है खिसा, ऑप्शन नंबर डी है एलिफेंट डू रिमेम्बर। व्हिच इज द करेक्ट आंसर हियर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एन इंजीनियर ड्रीम इज द करेक्ट आंसर हियर। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो एन इंजीनियर ड्रीम एक हिंदी फिल्म है जो कि सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म पुरस्कार उसको दिया गया है, जो कि ये भी 67th नेशनल फिल्म अवार्ड से उसको सम्मानित किया गया है। तो फिल्म का नाम याद रखना एन इंजीनियर ड्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हु हैज बीन अवार्डेड UNS 2020 एशिया एनवायरमेंटल एनफोर्समेंट अवार्ड? किसे UN 2020 एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। ऑप्शन नंबर ए है सुष्मिता लेंका, ऑप्शन नंबर बी है नेहा कुमार, ऑप्शन नंबर सी है रूपाली जोशी, ऑप्शन नंबर डी है आवाला बोस। व्हिच इज द करेक्ट आंसर हियर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए सुष्मिता लेंका इज द करेक्ट आंसर हियर। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो सुष्मिता लेंका इन फर्स्ट फॉर इंडिया ए फीमेल फॉरेस्ट ऑफिसर जो कि उड़ीसा से बिलोंग्स करते हैं और मैं भी उड़ीसा से हूँ दोस्तों, और आप लोग काफ़ी सारे लोग मेरे को बहुत सारे हेल्प किए हो जैसे कि यश आदित्य ईसा और भी काफ़ी सारे नाम है, उनका नाम अभी मेरे मतलब याद में नहीं आ रहा है, मैं अक्षिता से बात करके उनका नाम भी बोलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो इन फर्स्ट फॉर इंडिया ए फीमेल फॉरेस्ट ऑफिसर फ्रॉम उड़ीसा, उड़ीसा से एक सुष्मिता लेंका है और मैं भी उड़ीसा से हूँ। सुष्मिता लेंका हैज बीन फेलिसिटेटेड द यूनाइटेड नेशन एशिया एनवायरमेंटल एनफोर्समेंट अवार्ड, तो उनको एनवायरमेंटल एनफोर्समेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। और एक नाम मेरे को याद आ रहा है वो फरियाद चौधरी जो कि बांग्लादेश से है, वो भी काफ़ी सारे मेरे को हेल्प किए हैं। ओके, नेम द इंडियन सेलिब्रिटी हु हैज बीन चोजन एज द रेसिपियंट ऑफ द 2021 FIAF अवार्ड बाय द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म अचीव्स FIAF। उस भारतीय हस्ती का नाम बताइए जिसे अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्किट्स FIAF द्वारा 2021 FIAF अवार्ड के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। ऑप्शन नंबर ए है अनुपम खेर, ऑप्शन नंबर बी है प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन नंबर सी है अमिताभ बच्चन, ऑप्शन नंबर डी है अक्षय कुमार। व्हिच इज द करेक्ट आंसर हियर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी अमिताभ बच्चन इज द करेक्ट आंसर हियर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो द बॉलीवुड मेगास्टार अमिताभ बच्चन हैज बीन चूजन एज द रेसिपियंट ऑफ द प्रेस्टिजियस 2021 FIAF अवार्ड बाय द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म अचीव्स FIAF। FIAF की अगर फुल फॉर्म की अगर बात करेंगे तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म अचीव्स है, जो कि अमिताभ बच्चन जी को दिया गया है। उसको बॉलीवुड मेगास्टार के नाम से भी उनको जाना जाता है। किसको? अमिताभ बच्चन जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हु हैज वन द BBC इंडियन स्पोर्ट्स वोमेन ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2021?
2021 में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन यहां पे देखने के लिए मिल जाता है। ऑप्शन नंबर ए है विनेश फोगाट, ऑप्शन नंबर बी है कुनेरू हेम्पी, ऑप्शन नंबर सी है दुती चांद, ऑप्शन नंबर डी है रानी रामपाल। व्हिच इज द करेक्ट आंसर हियर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कुनेरू हेम्पी इज द करेक्ट आंसर हियर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर स्पोर्ट्स की बात हो रहा है तो वर्ल्ड रिपीट चेस चैंपियन कुनेरू हेम्पी हैज वन द बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2021। तो वो एक फीमेल है, देखो उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसलिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन की बात हो रहा है तो ऑब्वियसली बात यह है कि वो एक वुमेन है तो वोमेन के क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए कुनेरू हेम्पी नाम को याद रखना है। और वो किस में जीते हैं? वो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। और किस खेल से रिलेटेड है? वो है चेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हु हैज बीन अवार्डेड बाय द दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन फॉर आउटस्टैंडिंग सर्विस एंड वर्क? उत्कृष्ट सेवा और कार्यों के लिए दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन द्वारा किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। ऑप्शन नंबर ए है रामनाथ कोविंद, ऑप्शन नंबर बी है हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर सी है राजनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर डी है राजेंद्र सिंह। व्हिच इज द करेक्ट आंसर हियर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन इज द करेक्ट आंसर हियर। अगर हम मेडिकल हेल्थ की अगर बात करेंगे तो हर्षवर्धन जी को ज़रूर याद रखना है क्योंकि मेडिकल रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं और हमारे हेल्थ मिनिस्टर भी हर्षवर्धन जी ही है। एक्सप्लेनेशन की अगर बात करेंगे, द दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन हैज ओनर डॉक्टर हर्षवर्धन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन, उनके कंट्रीब्यूशन के लिए मेडिकल फ्रेटर्निटी एंड आउटस्टैंडिंग सर्विस और एग्जाम्पली वार के लिए उनको कोविड 19 पेंडेमिक सिचुएशन को देखकर उनको एक अवार्ड दिया गया है। ओके, जिसको आउटस्टैंडिंग वर्क्स के लिए जो अवार्ड दिया जाता है, तो ये किसके द्वारा दिया गया है? मेडिकल एसोसिएशन द्वारा दिया गया है दिल्ली में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रॉयल अकेडमिक 21 चैनल पर ऐसे ही वीडियो आपको रोजाना मिलता रहता है। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। ये हमारे पहले जो चैनल था वो चैनल का एक वीडियो है जो कि मैं एडिट करके रखा हुआ था, इसीलिए उसी वीडियो को फिर से रिवाइज करके मैं अपलोड कर रहा हूँ। ये वीडियो आप सभी देख चुके हो पहले से, फिर से हम वॉच टाइम सिर्फ बढ़ाने के लिए ये वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। ओके, अगर मेरे से कुछ गलती हुई तो माफ़ करना, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।